बिहार की राजधानी पटना में रविवार को एक बड़ा विमान हादसा होते होते बच गया। स्पाइसजेट के विमान की विंग में आग लगने के बाद उसकी पटना एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। ये विमान स्पाइसजेट का बताया जा रहा है। पटना से दिल्ली जा रहे इस विमान में 185 यात्री सवार थे। विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार ये विमान पटना के जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 12:10 पर उड़ा था। टेक ऑफ के कुछ ही मिनट के बाद इस विमान के एक पंखे में आग लग गई। आश्चर्यजनक बात ये है कि इस विमान के पंखे में लगी आग को नीचे से लोगों ने देखा। विमान से निकल रही थी आग की लपटें, लोगों ने देखा कि विमान के एक पंखे से आग की लपटें निकल रही थी। लोगों ने इस घटना की सूचना तत्काल पटना पुलिस को दी। इसके बाद इस घटना की सूचना एयरपोर्ट को दी गई। फिर इस विमान को वापस लाया गया। विमान के यात्रियों का कहना है कि टेक ऑफ के दौरान ही विमान में गड़बड़ी थी और टेक ऑफ के दौरान ही विमान में तेज आवाज आ रही थी। यात्रियों का कहना है कि विमान जब रनवे पर ही था तभी विमान से खड़खड़ की आवाज आ रही थी। एक्चुअली जैसे ही प्लेन उड़ा ना, तो प्लेन के उड़ते ही, जैसे ही प्लेन उड़ा वहाँ पर पूरे का पूरा लग रहा था जैसे दीवार के साथ ही ये टकरा जाएगा, ऐसा लग रहा था। मतलब वो उसमें ऊपर जाने की थ्रस्ट ही नहीं थी और बड़ी मुश्किल से मुझे लगता है कि वो एक हजार से 1,500 फीट की ही वो ऊंचाई पर गया होगा, इससे ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं गया। तो हमको पहले से ही लग रहा था कि इस प्लेन में कुछ गड़बड़ है। उसके बाद में उसके इंजन से भी जो है ना, कुछ लोगों ने वीडियो भी बनाया है, इंजन से आग निकली और जितने भी उसके अंदर जो अंदर वाली लाइट्स होती हैं उस सब में भी जो है ना शॉर्ट सर्किट होने लगी। मुझे लगता है कि बहुत बहादुरी का काम किया है पायलट ने, कैप्टन ने, कि सबकी जान बचा ली है। प्लेन ऊपर उड़ ही नहीं पा रहा था। उसके बाद हमको लगता है आरा के आसपास ही प्लेन वापस आ गया। आरा के पूरा एक भी सीट खाली नहीं थी। 198 सवारी पूरी भरी हुई थी, एक भी सीट खाली नहीं था। और उसके बाद में फिर क्रू जो था वो अलग था। तकनीकी खराबी जब हुई थी तो क्या लोगों को इन्फॉर्म किया था आपने कि तकनीकी खराबी है ऐसा? बिल्कुल, जैसे ही प्लेन उड़ा वैसे ही हम लोगों को लग गया था। रिपोर्ट के अनुसार फुलवारी शरीफ के लोगों ने अपने घरों से विमान के एक पंखे से आग को निकलते देखा। सुनिए फुलवारी शरीफ के लोगों का क्या कहना है। देखा ये कि पहले तो हम एक आवाज़ सुनी, छत पर थे तो हम लोग इधर उधर देखे, फिर एक आवाज़ हुई, यानी दो बार ब्लास्ट जैसे आवाज़ हुई। तीसरा में हमने जहाज के बाएं डायने में आग लगा हुआ देखा। कुछ दूर आगे जाने के बाद एक ब्लास्ट और हुआ, तब तक काफ़ी दूर निकल गई थी। क्या हुआ था, मतलब क्या लगा? हाँ, बब सब लोग छत पे आ गए कि जहाज कहाँ गिरेगा कोई पता नहीं, भयानक स्थिति थी, लोगों के अंदर दहशत था, डर था। नहीं नहीं हवा में थे, हवा में जैसे फ्लाइट जैसे उड़ती जितनी ऊंचाई पे थी उतनी ऊंचाई पे, लेकिन वो ब्लास्ट आवाज़ करने के बाद वो स्पीड ऊपर नहीं पकड़ पा रहा था, एक लेवल में ही जा रहा था। हाँ, वहाँ पे जैसे ये जाती है ना, ये ताज इनकलेब के सामने। दरअसल लोगों का कहना है कि विमान हाइट नहीं पकड़ रहा था। इस दौरान लोगों को विमान में आवाज सुनाई दी, तभी यात्रियों ने खिड़की से देखा कि विमान के एक पंखे से आग निकल रही है। इसकी जानकारी तुरंत पायलट को दी गई। इसके बाद पायलट ने विमान की लैंडिंग कराई। फ्लाइट के उड़ान भरते वक्त आग लगने की घटना से एक बार फिर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। आखिर क्या वजह है कि पटना एयरपोर्ट पर इस तरह की घटना हुई है? सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि पटना एयरपोर्ट बेहद खतरनाक है, यहाँ कभी भी हादसा हो सकता है। किसी भी पायलट के लिए यहाँ फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ कराना बेहद मुश्किल होता है। इन बातों के बीच सोशल मीडिया पर लोगों में ये दिलचस्पी बनी हुई है कि आखिर क्या वजह है कि पटना एयरपोर्ट खतरनाक है। पटना से सुजीत कुमार झा की रिपोर्ट, बिहार तक।